नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग यहाँ पर स्पीडी पब्लिकेशन किताब से बिहार का करेंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, जो कि आपका ये वार्षिकांक है, आपका ईयरली मैगजीन है 2023 का, जिसमें आपका जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का दिया गया करेंट अफेयर। और अभी हम लोग इस किताब से थ्योरी पोर्शन को कम्प्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और आपका एमसीक्यू जो है हमने कम्प्लीट कर लिया, टोटल हमने 12 सेट पढ़े हैं और टोटल आपका अप्रॉक्स 1200 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो कृपया करके आप लोग चले जा रही है प्ले लिस्ट में, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये किताब बीपीएससी सीटीएट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इस किताब को आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो फिर आपका जो है बिहार करंट अफेयर से जो भी आपका 10 से 15 क्वेश्चन आता है बीपीएससी 68 एग्जाम में आएगा, ठीक है, उसमें से आपका 10 क्वेश्चन यहाँ से आराम से आने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 बिहार की जनगणना, और इसका हम लोग आज पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, दूसरा वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 1 पहला वीडियो हमने कम्प्लीट कर लिया था कल, आज हमारा पार्ट नंबर 2 दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने दूसरा वीडियो, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लिंगानुपात से, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। और हम लोग इसको जो है टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 और पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो लिंगानुपात से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लिंगानुपात क्या है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, यह राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 से 25 कम है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, यह राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 से 25 कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका गोपालगंज 1021 है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876 है, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका जो है गोपालगंज 1021 है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपका मुंगेर 876 है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले तो गोपालगंज 1021, सिवान आपका 988, सारण आपका 954 और किशनगंज आपका 950 है, ठीक है। तो ये आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले तो गोपालगंज 1021 है और सिवान 988 है और सारण में 954 है और किशनगंज में 950 है, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिला तो सबसे पहले आपका मुंगेर 876 यहाँ पर है, भागलपुर में 880 है, खगड़िया में 886 है और सिवान में 893 है। तो ये आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, सिवान और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज, ये तीनों आपका पश्चिम बिहार में और ये आपका नॉर्थ ईस्ट बिहार में, ठीक है। ये आपका जो है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ में बिहार में जो तीन जिला, ये आपका नॉर्थ बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट आपका साक्षरता दर, तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है, प्रतिशत है, और इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है, इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% और जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास जिला का 73.37% और न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया जिला का 51.08% और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास जिला का 82.88% है, ठीक है। तो साक्षरता दर आपका जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है 61.80% है, इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% है जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। और सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास जिला का 73.737% है और न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया जिला का 51.08% है, ठीक है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर में रोहतास से आपका 82.88% और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर में पूर्णिया है 56.006%, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर आपका जो है रोहतास का 62.97% और न्यूनतम महिला साक्षरता दर लिटरेसी रेट सबसे कम किसका है, तो आपका सहरसा जिला का है 41.68% है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पर, कौन से जिला में, तो मेल और फीमेल दोनों मिला के रोहतास जिला में 73.37% और सबसे कम आपका पूर्णिया जिला में मेल और फीमेल मिला के 51.08%। सबसे ज्यादा जो है मेल लिटरेसी रेट कहाँ का है, रोहतास जिला का 82.88% और सबसे कम आपका मेल लिटरेसी रेट आपका कहाँ है, तो सबसे कम आपका पूर्णिया जिला 56.06% और आपका सबसे ज्यादा जो है फीमेल का लिटरेसी रेट आपका रोहतास पर 62.97% और सबसे कम आपका फीमेल का लिटरेसी रेट कहाँ पर है, सहरसा जिला में 41.68% है, ठीक है।
ये आपका है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है। तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार जो है पुरुष तथा महिला साक्षरता दर दोनों के संदर्भ में सबसे निचले स्थान पर है। बिहार की महिला साक्षरता दर 2001 में 33.57% थी, ठीक है। तो बिहार की महिला साक्षरता दर 2001 में 33.57% थी, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर, तो आपका सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास जिला 73.37%, पटना जिला 70.68%, भोजपुर जिला 70.47%, मुंगेर जिला 70.46%, और उसके बाद आपका औरंगाबाद जिला 70.32%। तो आपका जो है ये सर्वाधिक साक्षरता दर जिला कौन कौन है, तो रोहतास 73.37%, पटना 70.68%, भोजपुर 70.47%, मुंगेर 70.46% और औरंगाबाद 70.32% है, ठीक है। तो ये आपका सबसे ज्यादा जहाँ पर लिटरेसी रेट है मेल और फीमेल मिला के, ठीक है, रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो आपका पूर्णिया है 51.08%, सीतामढ़ी 50.05%, कटिहार आपका 52.24%, मधेपुरा 52.25% और सहरसा आपका 53.20%, ठीक है। तो ये आपका सबसे कम जो है जहाँ पर लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो पूर्णिया आपका 51.08%, सीतामढ़ी 50.05%, कटिहार आपका 52.24%, मधेपुरा 52.25% और सहरसा आपका 53.20% है। शिशु जनसंख्या, तो शिशु जनसंख्या आपका 0 से 6 वर्ष, तो इसमें आपका क्या है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शिशु जनसंख्या 1,91,33,964 है। इसमें बालकों की संख्या 98,87,239 है, जबकि बालिकाओं की संख्या 92,46,725 है। तो शिशु जनसंख्या जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शिशु जनसंख्या 1,91,33,964 है, जबकि बालकों की जनसंख्या 98,87,239 है, जबकि बालिकाओं की जनसंख्या 92,46,725 है। शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, जहां पर 10,18,297 शिशु है, और जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका शेखपुरा, जहां पर आपका जो है 1,21,647 आपके शिशु है, ठीक है। तो शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका पूर्वी चंपारण 10,18,297, जबकि न्यूनतम जनसंख्या जिला आपका शेखपुरा 1,12,147 है, ठीक है। तो शिशु लिंगानुपात, तो बिहार की शिशु लिंगानुपात 935 है, जबकि यह राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 से 16 अधिक है। तो शिशु लिंगानुपात, बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है, जब यह राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 से 16 अधिक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपका किशनगंज है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपका किशनगंज है 971 है, और जबकि आपका जो है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है 904 यहाँ पर है। अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति क्या, तो जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 1,65,66,325 है, और यह राज्य की कुल जनसंख्या का 15.99% है, और इसमें जो है 8,60,253 आपका पुरुष है, और जबकि महिलाओं की जनसंख्या जो है 86,06,253 है, और जबकि महिलाओं की जनसंख्या 79,61,072 है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 1,65,67,325 है, और यह राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9% है, और जिसमें आपका जो है 86,06,253 आपका मेल है पुरुष है, और जबकि 79,61,072 आपकी महिलाएं हैं। सर्वाधिक जनसंख्या आपका गया में शेड्यूल कास्ट का,
ठीक है, अनुसूचित जाति का जो कि आपका 13,34,351 है। न्यूनतम जनसंख्या आपका सीवर का है 96,655 है। तो सर्वाधिक जनसंख्या आपका अनुसूचित जाति का गया में 13,34,351 है। न्यूनतम जनसंख्या आपका सीवर का 96,655 है। और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता तो आपका गया का 30.39%। न्यूनतम जनसंख्या का प्रतिशतता आपका किशनगंज का 66.969% है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला आपका गया है 30.39% है। और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला आपका किशनगंज है 6.69% है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 13,36,573 है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 13,36,573 है। यह राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 13% है और इसमें 6,82,556 पुरुष है जबकि 6,54,057 महिलाएं हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 13,36,573 है और यह राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 13% है और इसमें 6,82,516 पुरुष है और 6,54,000 महिलाएं, 6,54,057 आपके महिलाएं हैं। सर्वाधिक जनसंख्या जो कि आपका अनुसूचित जनजाति का पश्चिम चंपारण में, जहां पर जो है 2,50,040 लोग आपके पश्चिम चंपारण में। और न्यूनतम जनसंख्या का सीवर में 318, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला पश्चिम चंपारण 6.35%। और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला आपका औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर है। ठीक है, तो ये आपका है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिम चंपारण 2,50,046 है, न्यूनतम जनसंख्या आपका सीवर 318 है, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला पश्चिम चंपारण आपका 6.35% है और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर 0.04% है। धार्मिक जनगणना तो आपका धार्मिक जनगणना 2011 तो धार्मिक जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है सर्वाधिक 8,60,78,686 है। यह राज्य की कुल आबादी का 82.69% है। और इसके अतिरिक्त प्रमुख धर्मों की जनसंख्या इस प्रकार है। तो धार्मिक जनगणना 2011 तो धार्मिक जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है 8,60,78,686 है। और यह राज्य की कुल आबादी का 82.69% है। और इसके अतिरिक्त प्रमुख धर्मों की जनसंख्या इस प्रकार है। तो धार्मिक जनगणना सर्वाधिक आंकड़े तो हिंदू धर्म के आपका जो है जनसंख्या 8,60,78,686 82.69%, मुस्लिम का 1,75,57,809 16.87%, ईसाई का 12,901,29,247 0.12%, बौद्ध का 25,453 0.02%, सिख का 23,779 0.02%, जैन का 18,914 0.02%, अन्य का 13,737 0.01%। और जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया वह आपका 2,52,127 0.24%। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिहार में सर्वप्रथम जनगणना वर्ष 1872 में थी जबकि नियमित जनगणना 1881 से आरंभ हुई। तो बिहार में सर्वप्रथम जनगणना वर्ष 1872 में थी और जबकि नियमित जनगणना 1881 से आरंभ हुई। और 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 8.60% आबादी निवास करती है और वही जो एक की जनगणना के में यह दर 8.07% थी। और बिहार की जीवन प्रत्याशा औसत आयु 68.9% है। ठीक है, तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे आपका इसका, देखते हैं क्या है कल।
तो कल इसका जो है मैप दिया उसको हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसको नहीं पढ़ेंगे, जो मैप आपका आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसका जो है इंपॉर्टेंट जो आपका टेबल था इसमें हमने पढ़ लिया फॉर्म, ठीक है। लिंगानुपात वगैरह सब पढ़ लिया हमने, ठीक है। जनसंख्या जनगणना भी हमने पढ़ लिया, टॉप फाइव और न्यूनतम फाइव, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ना था खुद से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग कल इसका पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जो कि आपका होगा बिहार के प्रमंडल जिले अनुमंडल एवं प्रखंड, ठीक है। तो कल हम चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर वीडियो नंबर पहला, ठीक है, इसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।